This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, तो हम पहले देखें 5 अगस्त 2020 की calls का हल्का सा review कर देते हैं। अगर मैंने आपको 5 अगस्त की मैं अगर आपको call बताऊँ तो banki Axis Bank को buy करने के लिए बोला था 430 पे, short selling के लिए बोला था 426 पे। तो अगर हम चार्ट देखें तो आज एक्सिस बैंक काफ़ी ज़्यादा गैप अप उप ओपन हो गया था अप्रोक्स अप्रॉक्स जो ये स्टॉक खुला था वो खुला था फोर थर्टी नाइन पे तो इसमें कोई भी ट्रेड हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि इसने अपना गैप फिल नहीं कर पाया ये अपना अगला स्टॉक जैसे कि मैंने आपको दिया था बी ई एम एल इसको मैंने बाय करने के लिए बोला था आपको सिक्स सिक्स वन पे और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था सिक्स फिफ्टी सिक्स पे आइए इसको भी चार्ट में चेक कर लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी एक्जैक्ट ये खुला था सिक्स सिक्स वन पे सिक्स सिक्स वन के बाद खुलने के बाद ये ऊपर गया अप्रोक्स अप्रोक्स सिक्स सिक्स नाइन पे और सिक्स सिक्स नाइन से फिर इसने जब गैप रिफिल किया अपना उसमें आपको इसको काफी टाइम लग गया ग्यारह बज गए थे तो ग्यारह बजे तक भी इसका गैप रिफ़िल नहीं हुआ था इसने साढ़े ग्यारह बजे तक अपने गैप रिफिल किया तो जैसे कि मैं बोलता हूँ अगर गैप ओपन हो होता है उसके बाद अगर ये टाइम लेता है यानी कि टेन एम के अंदर अंदर गैप फिल सॉरी अगर टेन एम के अंदर अंदर ये गैप फिल हो जाता है तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर स्टॉक है वो गैप है ओपन होता है और टेन एम के अंदर गैप फिल कर लेता है तो आप उस स्टॉक पे ट्रेड करेंगे वरना उस स्टॉक को छोड़ देंगे तो नॉर्मली इस स्टॉक में भी हम कोई भी ट्रेड नहीं ले पाए थे अब मैं टेलीग्राम चैनल की बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल पर देखिए मैंने बी पी हमारी टीम ने आपको प्रोवाइड कर दिया मॉर्निंग में इसको हमने बाय करने के कर लिए बोला था फोर वन और शॉर्ट सेलिंग के लिए बोला था फोर जीरो सिक्स पर अगर हम बी की बात करें चार्ट में तो देखिए बीपीसीएल का देखिए हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड का पहला टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गया था इजीली कुछ पॉइंट से रह गया था कुछ पॉइंट यानी कि पॉइंट टेन तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट लॉक मेथड यूज करिए ये आ गया था फोर जीरो फाइव पॉइंट वन जीरो पे यह, आ, इसने अपना एंड लो बनाया था हमारा 405 का टारगेट था तो कुछ ही पॉइंट्स था इसमें भी हमारे जो सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था बात करूँ बाई साइड की तो बाई साइड देखिए एक गलती काफ़ी लोगों ने करी जो अगर आप अगली बार ना करें मैं समझा दो आपको वो गलती क्या है इन्होंने क्या करा कि गैप अप ओपन होने के बाद जब स्टॉक जब नीचे गया उसके बाद दोबारा ऊपर आए तो इन्होंने बाय कर लिया ऐसा नहीं करना है होल्ड लेने देना है जैसे कि यहाँ पे इसने होल्ड लिया यहाँ पे इसने होल्ड दिया उसके बाद ये ऊपर बढ़ा तब काफ़ी लोगों ने बाय किया उसके बाद अच्छा प्रॉफिट इनको मिला सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड टारगेट आज इजीली अच्छी हो गया बात कर लेते हैं सब्सक्राइबर की कॉल्स की तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि अभी कैसे कैसे हमारे सब्सक्राइबर्स की कॉल थी और उन्होंने कैसे कैसे टारगेट अचीव हुआ तो मैं बात कर रहा था सब्सक्राइबर्स की कॉल की सब्सक्राइबर्स की कॉल की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे खाली जो सन फार्मा और जो स्कॉट्स थे वो गैप है ओपन हो गए थे और उन्होंने हमारा गैप फेवल नहीं किया बाकी जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं और बीपीसीएल भी हमारा पेट लाइन का स्टॉक था तो वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया था मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर दो स्टॉक्स प्रोवाइड कर देता हूँ आज भी मैं कल भी मैं कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये कॉल्स आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं इसका भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए आप जब हमारी वेबसाइट पर विजिट मारेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट पर विजिट मारने के बाद आप और लेटेस्ट अपडेट में आएंगे वहाँ पे आपको सारी कॉल्स दिख जाएगी उसके नीचे आप अगर आप हमारा प्लान खरीदना चाहते हैं तो उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ जाएगा जो प्लान आपको पसंद हो वो कर सकते हैं मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लीजिएगा प्लान सब्सक्राइब करने के बाद या फिर प्लान सब्सक्राइब करने से पहले कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ भी आपको डिटेल चाहिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंटरडे के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो भी आप मुझे अपडेट कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं सिक्स अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी की इंटरटेज स्टॉक्स लेवल की पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए चुना है ग्रेट सेम चुना है देखिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं को कर, करनी नहीं है इस स्टॉक को लेकर नॉर्मल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सिक्स फोर्टी सिक्स थर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो का जब लेवल ब्रेकआउट होगा आप इसे बाय कर लेंगे आपका टारगेट रहेगा पहला छोटा रहेगा सिक्स थर्टी सिक्स का छोटा क्यों रहे रहेगा ताकि आप अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट टारगेट प्राइस पर पुट करके सेकेंड जो हमारा टारगेट प्राइस है और जो थर्ड टारगेट प्राइस है उस पर ट्रायल मतलब उस उन टारगेट प्राइस अचीव होने का वेट कर सके

शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट होगा सिक्स थर्ट का आप टारगेट रखेंगे सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव जीरो का सिक्स ट्वेंटी फोर का और सिक्स ट्वेंटी का स्टॉप लॉस रखेंगे इसका सिक्स थर्टी फोर का अब लेवल ब्रेकआउट देखिए शॉर्ट सेलिंग जब आप करेंगे तो लेवल ब्रेकआउट कैसा होगा सिक्स ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन जीरो हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे बाई साइड के लिए सिक्स थर्टी फोर पॉइंट सिक्स जीरो या फिर पॉइंट सेवन जीरो हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे एक चीज और बता दो स्टॉप लॉस एक्यूरेट जितना मैंने दिया है उसके नीचे अगर स्टॉप लॉस बाई की साइड के लिए अगर मान लीजिए सिक्स थर्टी पॉइंट फाइव जीरो के नीचे जाने लगता है स्टॉक तब आप इसे स्टॉप लॉस हिट मानेंगे और अगर सिक्स थर्टी फोर के ऊपर जाने लगता है आपका जो भी स्टॉक प्राइस चल रहा है वो सिक्स थर्टी फोर के ऊपर जाने लगता है शॉर्ट सेलिंग करने के बाद तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है सिक्स थर्टी फोर पर एक्जैक्ट आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि इसे टच करके वापस आ जाता है स्टॉक अगला स्टॉक जो मैंने आपके लिए सुना है वो है गुड प्रॉपर्टी आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन थरूर हो जाइएगा मॉर्निंग में आपको कॉल्स प्रोवाइड हो जाएगी और बाय करके चल सकते नाइन जीरो सेवन पर स्टॉप लॉस रहेगा नाइन 90... जीरो थ्री का और टारगेट प्राइस रहेगा नाइन जीरो नाइन नाइन फाइव नाइन वन नाइन टू टू का देखिए पहला टारगेट प्राइस ऑलवेज स्मॉल इसलिए रखता हूँ ताकि बिगनर्स जो है छोटा प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सके और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो फर्स्ट एगेड प्राइज पर लॉस रख के सेकंड और थर्ड टारगेट प्राइस का वेट कर सके शॉर्ट सेलिंग का लेवल जो बन रहा है इसका वो बन रहा है थोड़ा जल्दी बन रहा है शॉर्ट सेलिंग का लेवल वो बन रहा है नाइन जीरो टू का टारगेट प्राइस है नाइन हंड्रेड का और जो सेकंड टारगेट प्राइस है वो है 895 और थर्ड टारगेट प्राइस है 888 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 906 का एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूँ पहली बार में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरी बार वो कॉल पिक कर सकते हैं जैसे बाई का स्टॉप लॉस हिट हुआ बाइक की कॉल दोबारा पिक कर सकते हैं बट अगर पहली बार में आपका टारगेट अचीव हो गया तो दूसरी बार आपको वो कॉल पिक नहीं करनी है दूसरी चीज़ है गिरते मार्केट में बाय नहीं करना है और बढ़ते मार्केट में आपको सेल नहीं करना है देखिए शॉर्ट सेल नहीं करना है देखिए गिरते मार्केट में अगर आप बाय करेंगे तो देखिए आपके लिए नुकसान है वो गिरता मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है देखिए अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है तो बाइंग प्राइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में उसे होल्ड लेने दीजिएगा होल्ड लेने के बाद ही आप उसे बाई या शॉर्ट सेल कीजिएगा अगर उसने बीच में होल्ड नहीं लिया है और वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो शॉर्ट सेल तो कर सकते हैं बट हल्का सा भी बाय का लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप बाय नहीं करेंगे उसे और वैसे ही शॉर्ट सेलिंग के साइड अगर गैप डाउन ओपन होता है स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है और हल्का सा उसने लेवल ब्रेकआउट किया बिना होल्ड लिए बाय और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में बिना होल्ड लिए अगर उसने दोबारा से नीचे शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट किया तो आप उसे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे रीज़न ये है कि वो खाली अप एंड डाउन मूवमेंट दिखा रहा है एक जब तक वो होल्ड नहीं लेगा तब तक वो अपनी जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं करेगा ट्रेंड चेंज एकदम से नहीं होता है बीच में होल्ड लेता है स्टॉक तब ट्रेंड चेंज होता है तो ट्रेंड चेंज होने के लिए होल्ड होना जरूरी है तो गैप डाउन गैप डाउन के समय पर शॉर्ट सेल नहीं करना है जब तक होल्ड नहीं लिया और गैप अप के समय पर बाय नहीं करना है जब तक होल्ड नहीं लिया दोनों के बीच में बाय और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपके डिस्प्ले में सॉरी आपकी स्क्रीन में हमारा नंबर आ गया होगा और हमारी वेबसाइट का भी आ, लिंक जो है यही है डब्ल्यू आप सर्च कर सकते हैं और जैसा मैंने अभी आपको बताया आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा